हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? हाय एवरीवन। हाय बेटा कविता, कैसे हो बेटा? हाय हाय बेटा सक्षम, हाय बेटा कविता, अभिनव, वेलकम टू द क्लास। बच्चों आज हम एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, एक शॉट में बता दूंगा, आई गेस 50 मिनट्स में मैं पूरा का पूरा आपको चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, आई विल टीच यू द एंटायर चैप्टर इन 50 मिनट्स। बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा और आपको बताऊंगा पेपर में क्या आने वाला है। एंड ये चैप्टर कर लो, यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। ठीक है बच्चे, इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का एक क्लास करा था, है ना, वो वाला चैप्टर आप देख लेना। वो देखोगे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है बच्चे, एंड ये मैं हूं। ठीक है, दिस इज मी, माय नेम इज अमृत राज, है ना बेटा। बायो पढ़ाता हूं मैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के एंड में इसको लाइक कर देना, और अगर आप कोई मेरे को मैसेज भेजना चाहते हो प्यारा सा तो आप यहाँ पे मेरे को मैसेज भेज सकते हो, amrit_rj, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, सेल्वा कह रहे सर आई ऑलवेज थॉट बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू बायोटेक्नोलॉजी। यस बेटा, बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस यू कैन से इट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता, है ना। सक्षम कह रहा है कि सर आप रिप्लाई नहीं करते इंस्टाग्राम पे। नहीं करता मैं, हा हा। ये मेरी निंजा टेक्निक है अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने की। बेटा मैं इंपॉर्टेंट मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूँ, हाय हाय सर। अब मैं इसका क्या रिप्लाई करूं, हाय बोलूं वापस? एनीवेज आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे काम है ना, प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में बात करी। ठीक है, अब हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि भाई जिंदगी में कहां कहां बायोटेक्नोलॉजी लगती है। ठीक है, बहुत ही बड़े चीज बताऊंगा। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है भाई, डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल स्केल के प्रोडक्शन ऑफ, यस बेटा, बायोफार्मास्यूटिकल्स, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, प्लांट एंड फंगाई। मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से नए मेडिसिन बनाएं, नए प्लांट्स बनाए जिससे कि क्या हो, ह्यूमंस का बेनिफिट हो, या तो उनकी लाइफ बच जाए, हेल्थ में बेनिफिट हो, या फिर पैसा ही पैसा हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो इसी बारे में चैप्टर है। हेलो बेटा, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, थेरेपी मतलब थेरेपी देना, किसी डिसीज के लिए थेरेपी देना। नंबर टू, डायग्नोस्टिक, भाई किसी इंसान को डिसीज है तो पता कर लेना बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पहले ही। और क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करना, है ना बेटा। जैसे कि आपने बीटी कॉटन सुना होगा, है ना, बीटी कॉटन, उससे क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनका नुकसान नहीं होता ज्यादा बीटी कॉटन इस्तेमाल करने से। ठीक है, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। या फिर बायो रेमेडिएशन, मतलब मान लो कोई केमिकल फैल गया है ना, जैसे कि ऑयल। बेटा आपने देखा होगा ऑयल अगर पानी में चले जाता है, ओशन वगैरह में, अगर ऑयल का टैंकर लीक कर गया, उस ऑयल को कैसे हटाएं, हम बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड कोई ऑर्गेनिज्म यूज करके उसको हटा सकते हैं, है ना। वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन सब जगहों पे हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज है। ठीक है भाई, थोड़ा आगे आ जाओ, है ना। नाउ मेन क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या बेटा, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है भाई, सबसे पहले या तो हम एक बहुत ही बढ़िया एंजाइम बना लें, है ना, या फिर कोई ऐसा माइक्रोब बना लें जो हमारी मदद करे, देखेंगे इसके बारे में। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्ट। देखो बेटा, मेन चीज क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, हम ऐसा कुछ बनाए, ठीक है, जो कि प्रोसेस को फास्ट कर दे, ऐसी कंडीशंस दे कि भाई हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अब कोई भी आपने प्रोडक्ट बताया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसको एकदम से तो भाई रिलीज नहीं कर दोगे, है ना, जैसे कि मार्केट में रिलीज तो नहीं कर सकते हो। जैसे कि बेटा कोविड की वैक्सीन आई थी, उसकी बहुत ज्यादा टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद ही उसको रिलीज करा गया था ताकि साइड इफेक्ट्स वगैरह ना हो। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीजों में बायोटेक्नोलॉजी यूज है, बट एग्जाम में क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी एग्रीकल्चर में कहां इस्तेमाल होती है। पहला देखते हैं कि भाई बायोलॉजी एग्रीकल्चर में कहां इस्तेमाल है। सबसे पहली चीज बेटा आपने सुना होगा
है ना, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है ना। आप क्या कर सकते हो बेटा, आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हो, बाय यूजिंग केमिकल्स, केमिकल्स यूज करो, पेस्टिसाइड है ना, या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करो। दूसरा क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हो है ना बेटा, ऑर्गेनिक मतलब केमिकल्स यूज ना करके। तीसरा क्या करते हो भाई, आप जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप यूज कर सकते हो। ये हमारा इंटरेस्ट एरिया, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं है ना। हमने क्या किया, हमने भाई देखा एक कॉटन प्लांट है, कौन सा प्लांट है, कॉटन का प्लांट है ठीक है बेटा। ये कॉटन के प्लांट को ना, ये एक पेस्ट है जिसका नाम है कॉटन बॉलवर्म। क्या नाम है इसका, कॉटन बॉलवर्म। अब ये कॉटन बॉलवर्म क्या करता था भाई, बड़ा शैतान है ये, क्या है भाई बड़ा शैतान, ये हमारे प्लांट को खा जाता था, प्लांट को खा जाता था। इससे क्या हुआ, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मैं फार्मर, मेरा नुकसान हो गया, कॉटन बॉलवर्म मेरा कॉटन का प्लांट खा जाता, बहुत नुकसान हो गया। मैंने क्या करा, अब मुझे लेना है बदला इस कॉटन बॉलवर्म से है ना। मैंने क्या करा है ना बेटा, मैंने एक बीटी जीन नाम का एक जीन है ठीक है, बीटी जीन नाम का एक जीन है, या फिर क्राइजीन कह सकते हो। बीटी क्या है, एक बैक्टीरिया है ना, बैसिलस थुरिंजियंस एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया में से मैंने क्या करा, मैंने एक डीएनए निकाला जो कि पॉइजनस है मेरे कॉटन बॉलवर्म के लिए, समझ रहे हो। मैंने बीटी से क्या करा, बैसिलस थुरिंजियंस से एक डीएनए निकाला जो कि इसके लिए पॉइजनस है, और वो मैंने अपने प्लांट में डाल दिया। मैंने कहा अब खा, वो तो ना खाने में जहर मिला देना, तो वैसे मैंने कर दिया बेचारे इसके साथ। तो जब कॉटन बॉलवर्म ने इसको खाया भाई साहब, ये जहर इसके पेट में पहुंच गया और बेचारा कॉटन बॉलवर्म शहीद हो गया। समझे, मजा आया कैसे मैंने करा, मैंने कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा। समझ आ गई मोटी मोटी कहानी, समझ आ गई। चलो देखते थोड़ा डिटेल में, ठीक है बेटा। तो यहां पे बेटा ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें, ये हमारे मतलब का नहीं है ठीक है। अब हम बात करें बीटी कॉटन के बारे में मेनली है ना। मैंने बीटी कॉटन में आपको क्या बताया कि भाई बीटी टॉक्सिन जीन है, एक जीन है बीटी टॉक्सिन, बीटी नाम का एक बैक्टीरिया, उसके अंदर एक जीन है जिसको कहते हैं हम क्राई जीन। कौन सा जीन है भाई, क्राई, ये रुला देता है बेटा। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है कि कौन सा जीन होता है, क्राई जीन होता है ना, दैट हैज बीन क्लोन फ्रॉम अ बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट। मतलब ये जो क्राई जीन है, ये हमने बैक्टीरिया में से निकाला है और किसमें लगा दिया है, हमारे प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। बीटी टॉक्सिन किल्स लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी ऑफ वर्म, कोलियोप्टेरेंस, बीटल्स एंड डाइप्टेरेंस, फ्लाइज एंड मस्किटो। समझे मेरी बात को, हमने क्या करा भाई, हमने बैक्टीरिया में से क्राइजीन निकाला, अपने प्लांट में डाल दिया। अब कॉटन बॉलवर्म आके मेरे प्लांट को खाता है भाई, वो मर जाता है बेचारा, क्योंकि उसके अंदर जहर आ जाता है ठीक है। ऐसा क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा, ये क्राइजीन जब मैं अपने प्लांट में लगा देता हूं ना बेटा, तो मेरा जो प्लांट है एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि हार्मफुल नहीं है कॉटन के लिए, बट ये जो प्रोटीन है ये हार्मफुल है उस वर्म के लिए, उस कॉटन बॉलवर्म के लिए ये बहुत ही हार्मफुल है, समझे। तो जैसे ही ये कॉटन बॉलवर्म इसको खाता है, ये प्रोटीन इसके पेट में चले जाता है, प्रोटीन जो है कॉटन बॉलवर्म के पेट में चले जाता है, और कॉटन बॉलवर्म का जो पेट है वहां पे एल्कलाइन नेचर है। कैसा नेचर है भाई, एल्कलाइन। अब इस एल्कलाइन नेचर से क्या होता है, ये जो प्रोटीन का क्रिस्टल है ना, ये घुल जाता है, ये जो प्रोटीन है जो इसने यहां से खा लिया, ये घुल जाता है इसके पेट में, और घुलने के बाद ये बेचारे कॉटन बॉलवर्म के पेट में छेद कर देता है और कॉटन बॉलवर्म मर जाता है, समझे। तो क्या हुआ, द क्राई जीन कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन साइड द कॉटन बॉलवर्म एंड वेन द सॉरी इन द कॉटन प्लांट वेन द कॉटन बॉलवर्म ईट्स द प्लांट, ये प्रोटीन इसके पेट में चले जाता है, और पेट में एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से यस, ये प्रोटीन वहां पे डिसॉल्व हो जाता है और इस बॉटल बॉलवर्म के पेट में छेद हो जाता है और ये मर जाता है, ठीक है बेटा। तो बीटी टॉक्सिन किस किस के अगेंस्ट काम आता है, लेपिडोप्टेरेंस के अगेंस्ट काम कर सकता है, टोबैको बर्डवर्म या फिर आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरेंस के अगेंस्ट भी काम कर सकता है, एंड डिप्टेरेंस। बेटा ये याद करो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी टॉक्सिन कैन वर्क अगेंस्ट लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डाइप्टेरेंस।
Bacillus thuringiensis produces a protein crystal, insecticidal protein, मतलब ऐसा protein crystal जो कि insects को मार दे during a particular phase of their growth. मतलब ये ऐसा bacteria है जो एक ऐसा protein बनाता है जो कि insects को मार सकता है. ठीक है, now देखो BT toxin is inactive in the cotton. मतलब जो BT toxin होता है cotton में inactive होता है. ठीक है बेटा, बट जैसे ही उसको इंसेक्ट ने खाया, एल्कलाइन कंडीशन ऑफ द इंसेक्ट गट एक्टिवेट्स द टॉक्सिन एंड द एक्टिव टॉक्सिन बाइंड्स टू द मिड गट ऑफ द एपिथेलियल सेल. मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइंड कर जाता है उसके सेल्स के साथ. पोर्स आर क्रिएटेड एंड स्वेलिंग एंड लाइसिस इंसेक्ट डेथ. मतलब उसके पेट में छेद हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और वो बेचारा इंसेक्ट मर जाता है. बेटा बैक्टीरिया को नहीं मार रहे मेरे भाई, इंसेक्ट को मार रहे हैं. भाई तुम समझ नहीं रहे, ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया को नहीं मार रहे, ये हमारा बीटी बैक्टीरिया है ना, बीटी बैक्टीरिया, इसको नहीं मार रहे. इसमें से हमने डीएनए लिया, कौन सा डीएनए, क्राइजीन लिया. ये क्राइजीन मैंने प्लांट में डाला, ये क्राइजीन मैंने प्लांट में डाला. प्लांट में डाला तो क्या हुआ, प्लांट में एक प्रोटीन बना. इस प्रोटीन को खाके ये मेरा वर्म मर गया. समझ रहे हो, समझे मेरी बात को. खाने में जहर मिला दिया, मतलब कॉटन बॉलबम के खाने मैंने जहर मिला दिया, और ऐसा जहर जो कि मेरे प्लांट को अफेक्ट नहीं करे, बस उसको मारे. समझे बेटा, अनुज को समझ आ गया, किसी को भी डाउट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या आता है, कौन सा डीएनए लिया था हमने बीटी का कौन सा डीएनए लिया था मैंने, बीटी बैक्टीरिया का, बताओ. क्राइजीन लिया मैंने, है ना, कौन सा जीन, क्राइजीन. ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. किस बैक्टीरिया से लिया है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस से लिया है, बीटी बैक्टीरिया. ठीक है, इसलिए इसको बीटी का प्रोटीन भी कहते हैं. ठीक है, परफेक्ट, आ जाओ. द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट. मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. बेटा देखो, बीटी टॉक्सिन एक नहीं है, क्राई के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि क्राई 1 एसीबी है ना. Then there are number of them. For example, the protein encoded by the genes. देखो, cry1 AC और cry2 AB. ये cotton bollworm के लिए. cry1 AB controls corn borer. Corn borer के against है. बेटा ये paper में पूछेंगे कि भाई cry1 AC किससे protection देता है, cotton bollworm से. cry2 AB किससे protection देता है, cotton bollworm से. cry1 AB किसको rule आता है, corn borer को rule आता है. Interesting. Yes, बच्चों, इंटरेस्टिंग. ठीक है, परफेक्ट, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं. नाउ अब बेटा एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, अब एक है बेटा टोबैको प्लांट. ठीक है, टोबैको प्लांट. सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींस. ठीक है, बहुत सारे निमेटोड हैं जो कि ह्यूमन बींस को अफेक्ट करते हैं. एक निमेटोड है बेटा जिसका नाम मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया, जो कि टोबैको प्लांट को खराब करता है, टोबैको प्लांट के रूट को खराब करता है. बेटा टोबैको बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट, है ना, इसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत इकोनॉमिक पैसा आता है इससे. ठीक है, अब ये कर रहा है, ये हमारा मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया कहां पे शैतानी कर रहा है, टोबैको के रूट को खराब कर देता है. हमें आ गया गुस्सा, अब हमें क्या करेंगे, हम लेंगे मेलाइडोगाइने इससे पंगा, इससे बदला लेंगे. अब समझो बेटा, इस बार पेस्ट कौन है, मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया. किसको अटैक कर रहा है ये, मेरे टोबैको प्लांट को अटैक कर रहा है. अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे बदला. ठीक है, बदला. अब हम इससे बदला लेने की स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम आरएनए इंटरफेरेंस. इस स्ट्रैटेजी को हमने क्या कहा है भाई, आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रैटेजी. क्या है अब ये, क्या सही है स्ट्रैटेजी से बताओ, अब ध्यान से देखो. ठीक है बेटा, है ना, अब आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है पहले समझ लो ध्यान से. देखो मैंने आपको बताया होगा मॉलिक्यूलर बेसिस जब पढ़ा रहा था, तो डीएनए से क्या बनता है बेटा, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन. हाँ कि ना, ये पता है सबको, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर होती है वो कहां पे होती है, डीएनए में होती है ना. जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे सेल के अंदर कहां है, डीएनए में है. अब ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कैसे बदलती है, डीएनए मेरा बनाता है आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है. ये तो पढ़ा ना मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में. ठीक है, अब बेटा इसका नाम क्या है, सेम चीज होती होगी मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया में भी, है ना. मेलाइडोगाइने इनकॉग्निशिया में भी उसके पास टीएनए होगा, उसके आरएनए से फिर प्रोटीन बनता होगा, है ना कि नहीं.
हम क्या करते हैं भाई आरएनए इंटरफेरेंस में, जैसे नाम बता रहा है, हम ये आरएनए को ही खराब कर देते, समाप्त कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो मेलाइडोगाइने में बनना चाहिए वो नहीं बनता और बेचारा मेलाइडोगाइने शहीद हो जाता है, मर जाता है। समझा? इंटरेस्टिंग। तो मैंने क्या टेक्निक यूज करी भाई, मैंने एक इंपॉर्टेंट आरएनए जो मेलाइडोगाइने के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन ना था उसको ही साइलेंट कर दिया, है ना, और बेचारा वो मर गया। तो देखो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज यूज्ड टू साइलेंस टारगेटेड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज यूज्ड टू टारगेट आरएनए। सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैन बी रेट्रोवायरस और ट्रांसपोजोन्स। मतलब ये मेरा प्लांट है टोबैको का, है ना, इस टोबैको प्लांट में क्या है, है ना। नाउ इस पे मैंने क्या डाला भाई, अब ये मेरा मेलाइडोगाइने है, ठीक है बेटा। ये मेलाइडोगाइने जब इसको खाता है तो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, है ना बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस मेलाइडोगाइने की बॉडी में आ जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा बेटा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आरएनए होगा, उसको ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए साइलेंस कर देता है। समझ रहे हो, मतलब साइलेंट कर देता ताकि ये जो इसके अंदर जो आरएनए है वो प्रोटीन ना बना पाए। समझे मेरी बात को, ठीक है, ध्यान दो। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन टू द होस्ट प्लांट। हमने क्या करा भाई, अगर आपको याद है मैंने बताया था हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्लास याद है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन हेल्प्स अस इन इंट्रोड्यूसिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू द प्लांट। तो हमने उसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे प्लांट में डाल दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूसेस सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। मतलब हमने एक डीएनए डाला इसमें, इसकी वजह से क्या हुआ, यहां पे बेटा एक सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए बना, दोनों मिलके वो क्या बन गए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। मतलब हमने जो जीन इंट्रोड्यूस करा उसकी वजह से इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। These two RNAs being complementary to each other form a double stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced specific mRNA of the nematode. समझाया? मैंने जो ये DNA इसमें introduce करा, इसकी वजह से क्या हुआ? इसमें एक sense RNA बना और antisense RNA बना, दोनों जुड़ गए तो क्या हुआ? Double stranded RNA बन गया। ये double stranded RNA क्या करेगा? Nematode के अंदर जाके इसके अंदर कि एक इंपॉर्टेंट आरएनए को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, इस तरह से। द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक आरएनए इंटरफेरेंस। समझ रहे हो? तो अब ये मेलाइडोगाइने इस प्लांट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि जब भी ये इसको खाता है इसके अंदर के डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसको जाके इसके अंदर प्रोटीन को साइलेंट कर देते हैं और ये मर जाता है। The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. तो वो अब protect हो चुका है हमारा tobacco का plant भी। समझ आया? कोई doubt है तो पूछ लो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे, नहीं तो कोई doubt किसी को? बेटा बताओ, आगे चलें? Thank you बेटा शाहिद, perfect। चलो अगला देखते हैं अब, बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा, ये पेपर में आएगा, ठीक है। अब मेडिसिन में इस्तेमाल देख लेते बेटा, ये बहुत ही बढ़िया है। अब हम बनाएंगे जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब हम क्या बनाएंगे? इंसुलिन बनाएंगे भाई। बेटा आपने लोगों को देखा होगा, बहुत लोगों को ना डायबिटीज होता है ना, आपने देखा होगा लोगों को डायबिटीज होता है। डायबिटीज क्या होता है बेटा, है ना, आपने देखा होगा लोगों को डायबिटीज होता है। अब डायबिटीज में क्या होता है बेटा, हाई शुगर लेवल। डायबिटीज मतलब इनकी बॉडी में क्या है, शुगर हाई है, इनके शुगर हाई है बॉडी में, ठीक है, इनकी बॉडी में शुगर हाई है। तो बेटा इनकी बॉडी में जब शुगर हाई है तो क्या दिक्कत हो जाती है, ध्यान से देखो, जब इनकी बॉडी में शुगर हाई होता है ना, ध्यान से देखना, है ना, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है। क्या बनता है? इंसुलिन, जो कि इस शुगर को कम करता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता। तो अब हम क्या करें,
हम इनको आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं ताकि इनकी बॉडी एग्जैक्टली सक्षम कह रहे हैं कि सर इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं ताकि बॉडी का शुगर मेंटेन रहे। बहुत बढ़िया भाई, शुगर मेंटेन करेंगे हम लोग, है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, पहले जमाने में क्या होता था कि ना स्लॉटर्ड कैटल या पिग, मरे हुए काओ या पिग के पैंक्रियास से इंसुलिन लगा देते थे, बट उससे एलर्जी होती थी लोगों को, ठीक है। इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी, है ना, और बाकी रिएक्शंस होते थे, ठीक है भाई। तो अब क्या करें, तो हमने कहा कि भाई अब हम ये इंसुलिन जो है लेबोरेटरी में बनाएंगे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो पहले हमने इंसुलिन का स्ट्रक्चर समझा, ध्यान से देखो बेटा इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो इंसुलिन में बेटा तीन पार्ट होते हैं, चेन ए, देखो एक ये ब्लू वाला है इसको कहते हैं ए पेप्टाइड, ग्रीन वाला है इसको बी पेप्टाइड कहते हैं, और इसको सी, ग्रे वाले को सी कहते हैं, ठीक है बेटा। जो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, किस फॉर्म में बनता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव फॉर्म में क्या क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, तीन चेन होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, फिर वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद बेटा ध्यान से देखो, एक्टिव जो इंसुलिन होता है उसमें बस ए और बी होता है और सी नहीं होता, सी गेट्स अवे, समझ रहे हो। ओनली ए एंड बी पेप्टाइड आर देयर जॉइन टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, देखो ए और बी किससे जुड़े हुए हैं, दे आर जॉइंट बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। ए पेप्टाइड चेन एंड बी पेप्टाइड चेन दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ क्या बेटा, विद द हेल्प ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड, समझे। यस बेटा कैश, समझ आ रही है बात, वेरी गुड सर, समझ आ गया, है ना। तो अब मैं देखो, मैं ये हमारी नॉर्मल बॉडी में होता है, नॉर्मल लोगों की बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होता है, और जब ये एक्टिवेट होना होता है तो ए और बी चेन में से सी अलग हो जाता है, तो सी गेट्स फ्री एंड ए एंड बी आर जॉइंट टुगेदर बाय डाइपेप्टाइड सॉरी डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब मैं लेबोरेटरी में बनाऊंगा तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, इनएक्टिव फॉर्म बनाएगा कि सीधा एक्टिव फॉर्म बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्टिव फॉर्म बनाएगा भाई, क्योंकि भाई इसका इनएक्टिव से एक्टिव क्यों इतना झंझट, सीधा हम एक्टिव फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा, तो ध्यान से देखते एक बार, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड चेन बी दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। इंसुलिन में क्या होता है, चेन ए चेन बी जॉइंट टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन है, एज अ प्रो हॉर्मोन विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड एज सी पेप्टाइड, मतलब ह्यूमंस में एक एक्स्ट्रा सेलुलर सी पेप्टाइड कहते हैं उसको। द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता, ठीक है बेटा। तो एली लिली नाम की एक कंपनी है, ठीक है, प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इनटू द प्लास्मिड ऑफ ई कोलाई प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। तो एली लिली ने क्या करा भाई, एली लिली ने लेबोरेटरी में ऐसे डीएनए सीक्वेंस बनाए जो कि चेन ए को बनाए और चेन बी को बनाए, इसको इन्होंने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा, ठीक है बच्चे, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा और चेन ए और चेन बी बन के इन दोनों को ज्वाइन कर दिया डाइसल्फाइड ब्रिज से और एकदम मैच्योर इंसुलिन इन्होंने बना दी, दे प्रोड्यूस मैच्योर इंसुलिन, समझे, इंटरेस्टिंग। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रो इंसुलिन दे मेड अप डायरेक्टली यू नो मैच्योर इंसुलिन इन्होंने बना दी, समझ आ गई है। यहां पर कोई डाउट है बताओ, किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी, तो हाय बेटा क्रिश पटेल पाटिल, किसी को डाउट है, सक्षम को नो डाउट, वेरी गुड, परफेक्ट गाइस, ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो ना अब एक और चीज देखते हैं बेटा, जीन थेरेपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। जीन थेरेपी में क्या है बेटा, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट
दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एन एम्ब्रियो. ठीक है, जीन थेरेपी में क्या करते हैं, हम जीन को सही कर देते हैं. मान लो कोई बच्चा है, उसके जीन में कोई दिक्कत है, जैसे कि एक डिसीज होती है बेटा एडीए डेफिशिएंसी डिसीज, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी डिसीज होती है. ठीक है, अभी एडीए डेफिशिएंसी डिसीज में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना. ठीक है, जो बच्चे में डिसीज होती है ना, उसके डीएनए में कोई खराबी होती है जिसकी वजह से वो एडीए फॉर्म नहीं कर पाता. ठीक है, तो दे आर नॉट एबल टू फॉर्म एडीए. ठीक है, अभी एडिनोसिन डीएमिनेज इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन. ठीक है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर उसकी बॉडी में एडीए नहीं बन रहा तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है. ठीक है, अब दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो बनी बनाई एडीए डाल दो, है ना बेटा, है ना, क्या करें हम, इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट. भाई पेशेंट को बार बार एडीए इंसुलिन की तरह इंजेक्ट करते ना, इंसुलिन उसे एडीए इंजेक्ट करते रहो, या फिर ऐसे सेल्स बना दो जो कि इसकी बॉडी में खुद से एडीए बनाते रहे. समझे बेटा, कौन सा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बार बार इंट्रोड्यूस करना कि ऐसे सेल्स बना के उनकी बॉडी में डाल देना जिससे कि वो बार बार यस खुद से ही वो बना पाए, एंजाइम बना पाए. बताओ बताओ क्या करना चाहिए हमें, हम ऐसे सेल्स उसकी बॉडी में डाल दें यस, जिससे कि वो बार बार आते, क्योंकि यार देखो बार बार एडीए एंजाइम डालते रहोगे खत्म होता जाएगा. तो हम ऐसे डब्ल्यूबीसी बना के डाल दें इनकी बॉडी में कि भाई जो खुद से एडीए बना पा रहे. ठीक है, सो इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. मतलब अगर मैंने बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दिया, क्योंकि बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स बनते हैं, हाँ कि ना, डब्ल्यूबीसी बनाते हैं बेटा, देखो एडीए कौन बनाता है, डब्ल्यूबीसी बनाते हैं. ठीक है, डब्ल्यूबीसी मेक दिस एडीए, है ना. तो मैंने क्या करा, मैंने जहां पे डब्ल्यूबीसी बनते हैं उधर ही मैंने डीएनए में चेंज कर लिया, तो जितने भी डब्ल्यूबीसी बनेंगे उनके अंदर एडीए वाला जीन आ जाएगा. दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत ये है कि जो मेरे बोन मैरो में जो डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं ना, उनके पास ये वाला जीन नहीं है या फिर खराब है. मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनके अंदर ये जो एडीए वाला मैप है वो यहां पे ही डाल देते हैं, ताकि जो भी डब्ल्यूबीसी बने उनके पास एडीए वाला हो और भाई वो अपना एडीए बनाते रहे. समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. बेटर तरीका क्या है कि भाई बोन मैरो में ही सेल को सही कर दो, ताकि जो भी हो प्रोडक्शन में स्टार्टिंग से ही अच्छा बन गया. देखो मान लो एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग की मशीन है ना, तो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा एरर आ गया, न्यूज़पेपर में थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो गया. दो चीजें कर सकता हूं मैं, या तो प्रिंट होने के बाद न्यूज़पेपर को करेक्ट कर लूं ब्लैक पेन से जो एरर हुआ है, या फिर न्यूज़पेपर जहां पे प्रिंट हो रही है वहां पे जाके बता दूं भाई यहां पे गड़बड़ हो रही है इसको सही कर ले, तो मुझे बार बार उसको सही करना नहीं पड़ेगा. समझ लो, तो बेस्ट तरीका क्या है, जहां पे प्रिंटिंग हो रही है वहीं पे जाके बता दो. तो प्रिंटिंग वाली जगह क्या है, बोन मैरो, तो यहां पे करूंगा तो इट विल बी अ मोर ऑफ अ परमानेंट सॉल्यूशन रादर देन इंट्रोड्यूसिंग एडीए अगेन एंड अगेन. हां कि ना, यही क्वेश्चन आता है पेपर में. एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड. तो हम क्या करते हैं भाई, जो पेशेंट है उसका डब्ल्यूबीसी निकाला उसको बाहर ग्रो करते हैं. अ फंक्शनल एडीए सी डीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दीस लिम्फोसाइट. मतलब जो एडीए वाला डीएनए सीक्वेंस है वो हमने इस डब्ल्यूबीसी में इंट्रोड्यूस कराया. हाउएवर दीस सेल्स आर नॉट इमॉर्टल एंड द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इंफॉर्मेशन ऑफ सच जेनेटिकली इन्फ्यूज इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट. समझे, मतलब देखो मैंने क्या कहा कि भाई उस डब्ल्यूबीसी में ही वो डाल दो. अब दो तरीके पे ध्यान से देखो. हाउएवर इफ द जीन एजेंट फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स प्रोडक्शन एडीए इज इंट्रोड्यूस इन द सेल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी अ परमानेंट क्योर. देखो अब इसमें एक और बीच में एक लेयर ला रहा है. एक तो मैंने कहा कि भाई बोन मैरो में डाल दो, और अगर वो अर्ली स्टेज पे ही कर दोगे, एम्ब्रियो में ही कर दोगे, तब तो वो परमानेंट सोल्यूशन हो गया. दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, एंजाइम डालने की जगह ये जो लिम्फोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी है, बेसिकली लिम्फोसाइट के एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी जो कि एडीए बनाते हैं उनको बना के बॉडी में डाल दो. समझ रहे हो, तो ये डब्ल्यूबीसी अपना बनाते रहेंगे, बट जब ये डब्ल्यूबीसी मर जाएंगे तो मुझे दोबारा नए डब्ल्यूबीसी डालने पड़ेंगे. इसमें भी है, बट जैसे कि एडीए एंजाइम अगर मुझे डालना है तो मान लो मेरे को रोज डालना पड़ेगा,
अगर मुझे वो वाले WBC डालने हैं जो कि ADA बनाते हैं, वो मुझे मान लो हफ्ते में एक बार करना पड़ेगा, बट अगर मैंने बोन मैरो वाला कर दिया तो मुझे ये बस एक बार लाइफ में करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो लेवल्स? यस, लेवल समझा? आप समझ पा रहे हो? हाँ बेटा सुनील मैंने कर दिया। बेटा लेवल समझ गए यहां पे? हाँ कि ना? कोई डाउट है तो पूछ लो ना, आगे चल रहा हूं मैं। परफेक्ट। वेरी गुड, जिंदगी के खेल में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए ना, है ना बेटा? अब देख लो बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिसा, ये हमारे डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। डायग्नोसिस मतलब अगर कोई डिसीज है वो बस अभी स्टार्ट हुई है, उसको पता करने में, ठीक है? तो देखते हैं। PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड AIDS पेशेंट। मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये हमें हेल्प करता है HIV डिटेक्ट करने में, जो कि इनमें हो सकता है। यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स को भी आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। इट्स अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो। अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इन द कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाई डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene. मतलब क्या है इसका? ध्यान से देखो। PCR chain में क्या करते हैं बेटा हम लोग? हम लोग पता है क्या करते हैं इसमें? इसको identify के लिए ऐसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं? Yes, है ना? हम लोग single stranded DNA और RNA, है ना बेटा? इनको radioactive कर देते हैं। And they are complementary to the DNA in the clone of cells. मतलब जैसे कि एक इंसान है, इससे मैंने DNA लिया, इसका DNA लिया मैंने, है ना बेटा? और मैंने जो मैंने लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे DNA और RNA sequences, उसको मैंने इसके साथ कल्चर में डाल दिया, कल्चर में ग्रो करा, ठीक है बेटा? मुझे पता है एक नॉर्मल इंसान का DNA और RNA कैसा होता है, है ना? मुझे पता है कि एक नॉर्मल इंसान का DNA और RNA कैसा है, उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया है। बट जिसको HIV है या फिर कैंसर है, वो थोड़ा अबनॉर्मल है उसका DNA, है कि नहीं? तो मेरा जो ये नॉर्मल वाला DNA है, ये उनके साथ तो पेयर कर लेगा जो कि इसका नॉर्मल है, जिन लोगों का नॉर्मल DNA उसका तो पेयर कर लेगा और दिख जाएगा। बट अगर किसी को AIDS है या फिर कैंसर है, तो उसके साथ ये मेरा जो रेडियो एक्टिव वाला है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अबनॉर्मल DNA है। इट इज मेरा जो DNA, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू हिज, तो मुझे दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब उस इंसान को डिसीज है। समझे बात को? यस और नो? Yes, the clone having mutated gene मतलब जिसको HIV या कैंसर है, will not appear on the photographic film. वो photographic film में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि photographic film में तो वही दिखाई देगा ना जो इसके complementary है, जो कि normal DNA है। अगर abnormal होगा तो वो दिखाई नहीं देगा, because the probe will not have complementarity with the mutated gene. अगर mutated gene होगा इसमें तो complementarity नहीं होगी और वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है? तो बेटा आपको चीज़ याद रखना है, PCR is used for detecting AIDS and cancer. अब ELISA enzyme linked immunosorbent assay कहते हैं, है ना? इसको कहते हैं enzyme linked immunosorbent assay. अब ये क्या प्रिंसिपल है? ये भी डिटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या है? देखो मतलब अगर इंफेक्शन बाय अ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन By detecting antibody synthesized against the pathogen, मतलब अगर मान लो किसी इंसान को डिसीज है, मेरे को नहीं किसी को डिसीज है, इसकी बॉडी में मान लो डिसीज है ना बेटा, कोई एंटीजन है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी, हाँ कि ना? मेरी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी, है ना? और अगर मान लो मेरी बॉडी में एंटीबॉडी है, तो इसका मतलब एंटीजन तो था ही, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अगर किसी इंसान के बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई डिसीज कॉजिंग एजेंट इसकी बॉडी में आ रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका ब्लड का सैंपल लूंगा, इसके ब्लड का सैंपल लूंगा और उसमें एंटीजन डालूंगा,
अगर उससे आके एंटीबॉडी बाइंड हो गया, इसका मतलब उसके ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट था, इसका मतलब उसके ब्लड में ऑलरेडी एंटीजन है, मतलब उस इंसान को ऑलरेडी डिजीज है। तो डिजीज फैलने से पहले, जब तक एंटीजन ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैं पता लगा सकता हूं यूजिंग एलिसा कि इंसान को डिजीज है कि नहीं। इंटरेस्टिंग और नॉट? तो इसको कहते हैं एलिसा मेथड, है ना। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। पीसीआर में हम क्या यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे यस कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ अ प्रोब्ड और रेडियो एक्टिव डीएनए विद द डीएनए ऑफ द पेशेंट, है ना। परफेक्ट। अब लास्ट टॉपिक बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कहां होता है ना। इसको हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट पढ़ने के लिए। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, जिनका डीएनए हमने मॉडिफाई करा है। इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं स्टडी करने के लिए कि भाई ये फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने कोविड का वैक्सीन बनाया तो ह्यूमन पर चेक नहीं कर सकते, तो हमने एनिमल्स वगैरह पे चेक करा होगा। दूसरा स्टडी ऑफ डिसीज, कोई डिसीज पढ़ रहे हैं हम, इंसुलिन बनाया मैंने तो क्या मैं अपने नॉर्मल पे चेक करूंगा, नहीं, आई विल ट्राई ऑन एनिमल्स और ऑल दिस थिंग्स, है ना। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया उससे ऑब्टेन करा, जैसे कि आपने देखा होगा विटामिन ए रिच राइस होता है तो वो मैं चेक कर सकता हूँ, वैक्सीन सेफ्टी चेक कर सकता हूँ और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, तो सब चीजें मैं अपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कर सकता हूँ। दैट इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना बेटा। और इसमें आते हैं बेटा हमारे बायो एथिकल इश्यूज, है ना। अब क्या इश्यूज हैं, जैसे कि बेटा देखो कहा जाता है कि अगर आप डीएनए वगैरह छेड़ते हो, यू आर प्लेइंग विद द डीएनए एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, अभी शॉर्ट रन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट क्या पता 100 साल बाद कोई दिक्कत हो जाए, है ना। क्योंकि देखो जो डीएनए है बेटा, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम गॉड बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप इंडिया में देखो, इंडिया में ना बीटी कॉटन अलाउड है, बट इंडिया में बीटी ब्रिंजल अलाउड नहीं है। क्यों? बीटी स्मॉल्टी होता है, क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि ब्रिंजल आप खाते हो, कॉटन आप नहीं खाते, तो इसलिए अलाउड है। बट यूएस वगैरह में खाने पीने वाले जेनेटिक क्रॉप्स भी अलाउड है ग्रो करना, समझ रहे हो। तो इसलिए इंडिया में अगर कोई भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कुछ भी यूज करते हो तो आपको इनका अप्रूवल चाहिए होता है, इसको कहते हैं जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इनके अप्रूवल के बिना अगर आप करोगे ना, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, ठीक है, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा बायोथिकल इशू है। उसके बाद गाइस आती है बात बायोपायरेसी की। बायोपायरेसी इज अ टर्म यूज फॉर यस जब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आपकी स्टेट के कोई यूज कर ले, जैसे कि यूएस वाले कहते कि भाई हल्दी हमारी है, हल्दी पे पेटेंट कर रहे थे वो, हमारी मम्मी भाई हमारे दादा परदादा में हल्दी का दूध पिलाते बचपन से, वो कहते हैं हल्दी हमारी है, ठीक है। तो गुजरात के कुछ फार्मर्स हैं जो कि ना पोटेटो मतलब आलू उगाते थे, ठीक है, लेज वाले कहते हैं ये आलू हमारे हैं, तुमने कैसे ग्रो करा, उन पे केस कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट बोली भैया आलू हमारे परदादा वगैरह उगाते थे, ठीक है, तुम्हारा आलू काय का आलू। तो उसको कहते हैं बायोपायरेसी, मतलब किसी कंट्री का बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बता के उस पर हक जताती है, इसको बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करना किसका काम है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है इससे हमें, समझ रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको भी पता होना चाहिए, है ना। बायो इज अ टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न, या फिर उनको कॉम्पनसेशन दिए बगैर, उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, हमें पैसे देना पड़ेगा अगर वो यूज करना चाहते हैं तो, ठीक है। बहुत से मुझे जोरदार तालियां बजा लो, तेजी से तालियां बजाओ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, बीटी कॉटन है ना, मेलाडोगाइन इनकॉग्निशन, टोबैको प्लांट, इंसुलिन, पीसीआर, एलिसा, पेपर में आएगा जरूर, एक्सक्यूज मी, ओम गॉड। इसमें से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट गाइस, ग्रेट जॉब, बहुत ही बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम बच्चे हमारे। तो बच्चों ये हमारी वीडियो चल रही है ना, वीडियो क्लास खत्म हो चुकी है, आप जाना जा सकते हो, बट जो भी बच्चा वेदांतम अगर हमारे साथ पढ़ना चाहता है
तो वीडियो के नीचे आओगे आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है बेटा। वेदांतु में 1 ईयर के कोर्सेज चल रहे हैं, प्रोलाइट 2023, इस पे क्लिक करो। हिंदी या इंग्लिश बैचेस अवेलेबल है, है ना बेटा, ओनली फॉर 8100 रुपीज। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर 8100 रुपीज, पूरे साल का कोर्स। इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग होगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, तत्व मटेरियल, वेदांतु का रेफरेंस मटेरियल मिलेगा, है ना बच्चे। ओवरऑल अ वेरी गुड पैकेज, इसमें पूरा का पूरा हम आपको 12th पढ़ाएंगे और एग्जाम से पहले 11th भी रिवाइज करा देंगे, ठीक है। दो वर्जन है बेटा, रिकॉर्डेड वर्जन है, AI लाइव, एल्स यू कैन गो फॉर अ लाइव क्लासेस। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इन दोनों में आप लाइव पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। इसमें ऑलरेडी एक कोड लगा हुआ है राज प्रो, अगर आप वो यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, परफेक्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना और नीचे एक हार्ट बना देना। And if you want me to make a video on any topic, let me know in the comment box. Okay? Thank you for joining. Lots of love. Have a great day. And bye-bye. I'll see you next class.